Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Mohammad Sajid Dhoni. I am a mechanical engineering student as well as a teacher of mathematics and physics. My question, what is the role of Muslim scientists in geography? Muslim scientists ko ke kya kaam hai geography? Alhamdulillah, is talib ilm aur teacher अल्लाह इसे साइंटिस्ट भी बनाए आगे चल के। सवाल है ज्योग्राफी में मुस्लिम्स कार्टोग्राफर जियोग्राफर का रोल। चूंकि इस्लाम का जो एक अहम फर्ज है कि अगर इतनी दौलत है कि घर बार चल जाए और सफर का खर्च उठा सके तो हज के लिए जाए, और दुनिया में 193 कंट्रीज हैं, हर कंट्री से कोई ना कोई कम से कम जरूर उस मक्का शरीफ में हाजिरी देता है, काबा शरीफ का तवाफ करता है, हज के अरकान को मुकम्मल करता है। ए हज का अमल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मदद से जब काबा शरीफ की सरे नौ से तामीर की, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे घर के तवाफ के लिए लोगों को आवाज दो। आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी आवाज इस पहाड़ियों के बाहर कैसे जाए? हुक्म हुआ तुम आवाज दो, इसे पहुंचाना हमारा काम। आपने आवाज दी, सदा लगाई, अल्लाह ने इस आवाज को पहुंचाया। जितने जितने लोगों ने लबैक कहा, जो पैदा हो चुके थे या जो अपने बाप के शुल्ब में थे, अपने बाप के लाइन में थे, उन्होंने भी अगर जो जिसने आमीन कहा, वो सब के सब देर सवेर एक वक्त आएगा उनकी जिंदगी में जो हज के लिए जाएंगे और खाने काबा का तवाफ, सफा मरवा की सही, अरफात की हाजरी से सरफराज होंगे। तो हज के जो रुकन है इस्लाम में, जो फर्ज करा दिया गया है, अगर इस्तेआत हो तो इसकी वजह से पूरी ज्योग्राफी की जानकारी एक सेंट्रल पॉइंट, जो जमीन का भी सेंट्रल पॉइंट है मक्का शरीफ, दैट इज द ग्लोरियस काबा, वहां पे जब जमा होते तो अलग अलग कल्चर के बारे में, अलग अलग जमीन के बारे में, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, नेचर के बारे में जानकारियां बड़ी आसानी से मिल जाती थी, जो आज गूगल के जरिए और नेट के जरिए मालूम किया जाता है। चश्मदीद गवाह के तौर पर फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता था, जबकि गूगल में आई एम सॉरी टू से इट मे नॉट बी ए फर्स्ट हैंड नॉलेज। तो वहां पे फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता था और उससे भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल स्थिति अच्छी तरह से मालूम होती थी। एक तो चीज है, दूसरी चीज ट्रेडिंग के लिए जब ये हज के लिए आते तो हज का अरकान भी पूरा करते और ट्रेडिंग भी करते, तिजारत भी करते। तो मालूम हुआ ट्रेडर्स और हुज्जाजे इकराम ने भौगोलिक स्थिति को इस्लाम में बहुत मजबूती करार दिया। अब मैं दो फेमस मशहूर जियोग्राफर कार्टोग्राफर लेक्सिकोग्राफर का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले इदरीसी आते हैं जो 12वीं सदी के। इदरीसी ने पूरे जमीन को 7 हिस्सों में डिवाइड किया लॉन्गिट्यूडिनली, और हर एक को 10 सेक्शन में डिवाइड किया लॉन्गिट्यूडिनली, 10 7 70, और 70 के लिए आपने एटलस बनाया। इन शॉर्ट ही डिराइव्ड एन एटलस विद 70 सेक्शनल मैप। उन्होंने जो पहला एटलस बनाया 7 तबकात में डिवाइड किया लॉन्गिट्यूडिनली, फिर उसको 10-10 में लॉन्गिट्यूडिनली, फिर 70 के लिए उन्होंने मैप बनाया, नक्शा बनाया लॉन्गिट्यूडिनली एंड लॉन्गिट्यूडिनली। यही नहीं, एक पहले जियोग्राफर और कार्टोग्राफर है जिन्होंने ही डिस्कवर द सोर्स ऑफ नाइल एंड मैप द नाइल। एक पहले जियोग्राफर और कार्टोग्राफर है जिन्होंने नील नदी के सोर्स के बारे में बताया
और टेबल्स कोलंबस ने इस्तेमाल किया जिसने अमेरिका की डिस्कवरी की। तो मालूम हुआ इदरीसी साहब एक बहुत मशहूर जियोग्राफर कार्टोग्राफर। उसके बाद पीरी रईस एक 15वीं सदी में है। देखो मैंने कहा ना 7वीं से 15वीं सदी तक मुसलमान का बोलबाला था, गलबा था, कोई भी फील्ड हो। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है बरोज़े कयामत पर, बरोज़े कयामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहे। पीरी रईस ने दो वर्ल्ड मैप्स बनाए। एक दुनिया का पहला वर्ल्ड मैप जिसमें उन्होंने अमेरिका का मैप स्पेशली बनाया, जो अमेरिका का पहला मैप था। 200 मैप्स, 200 मैप्स, मेनी टेबल्स। आज भी इस्तांबुल जो टर्की की राजधानी है, कैपिटल है, वहां के म्यूजियम में आज भी मौजूद है। तो पता है चला इदरीसी और पीरी रईस ये दुनिया के मशहूर जियोग्राफर और कार्टोग्राफर गुजरे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में कारनामे हो रहे हैं, लेकिन जो हल्की सी सुस्ती, जो नींद का गलबा आया है, अल्लाह इसे दूर करते हुए हम सबको अपने अकाबीर की मशाले राह पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।